नमस्कार दोस्तों, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को करण जौहर के टीवी शो कॉफी विद करण में जाकर विवादास्पद बयानबाजी करने के बाद अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को इस शो में महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करने पर बीसीसीआई ने निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ जांच बिठा दी है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच में ही वापस बुलाए गए हार्दिक पांड्या जब से भारत लौटे हैं तब से ना तो वो घर से बाहर निकले हैं और ना फोन पर किसी से बात कर रहे हैं। ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों को पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का साथ मिला है। सौरव गांगुली ने कहा है कि गलतियां हो जाती हैं जिन्हें दोहराने से बचना चाहिए। IndiaToday.com के अनुसार सौरव गांगुली ने मुंबई में कहा, लोग गलतियां करते हैं, मुझे पूरा भरोसा है जिसने भी गलती की है उसे इसका एहसास होगा और वो अच्छा इंसान बनकर निकलेगा। आखिरकार हम सब इंसान हैं, हम मशीन नहीं हैं कि सब कुछ परफेक्ट ही होगा। आपको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए और दूसरों को भी जीने देना चाहिए। सौरव गांगुली ने स्वीकार किया कि दोनों खिलाड़ियों ने गलती की है लेकिन हमें किसी फैसले पर पहुंचने से पहले उन्हें सुधरने का मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा, वे जिम्मेदार व्यक्ति हैं और युवाओं के लिए रोल मॉडल भी हैं लेकिन वे इंसान हैं, उन पर हमेशा अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव रहता है, कुछ बातें हो जाती हैं, आगे बढ़ना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि दोबारा ऐसा नहीं हो। विवादित टिप्पणी की वजह से हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की काफी आलोचना हुई है। हालांकि दोनों खिलाड़ी इसके लिए माफी मांग चुके हैं लेकिन इसके बावजूद दोनों ही खिलाड़ी निलंबन से नहीं बच सके। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भी कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। दोनों क्रिकेटर शनिवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हुई 3 वनडे मैचों की सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा थे लेकिन अब जांच पूरी होने तक पांडे और राहुल को निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप भी सौरव गांगुली के इस बयान से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और क्रिकेट जगत के हर ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक7 यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।